कृपया ध्यान दें कि ये वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है, कृपया इसे सीरियसली न लें। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं बता दूं कि जिस भी महापुरुष को इस वीडियो से दिक्कत है, ये वीडियो अभी ही छोड़ दे, नहीं तो आगे जाकर उसकी कान फटने वाली है। तो अब हो गया डिस्क्लेमर, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के पहले सीन में काजल के ऊपर सांप लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऊपर से आता है तो सांप इनके शरीर से काफी दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस प्रकार से ये रिएक्ट कर रही है उस प्रकार से देख कर लग रहा है कि सांप ने इन्हें कस के जकड़ लिया है। ये आदमी दो तीन पत्थर खेसारी के ऊपर फेंकता है और ये तीनों पत्थर खेसारी के ऊपर एक साथ आते हैं। आप इस सीन में काफी आसानी से देख सकते हैं कि तीनों पत्थर इनके सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगले सीन में जब खेसारी एक पत्थर को अपने पैर से मारते हैं तो अचानक से दो पत्थर देख सकते हैं नीचे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि तीनों पत्थर तो एक साथ आ रहे थे। अचानक से ये दो पत्थर नीचे कैसे गिर गए और एक ऊपर ही रह गया। खेसारी जहाँ पर खड़े हैं इनके आसपास काफी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही पत्थर इनके पास आता है अचानक से इनके पीछे का बैकग्राउंड चेंज कैसे हो गया, सारे पेड़ पौधे अचानक से गायब हो जाते हैं और पूरी हरियाली भी गायब हो गई है। यहाँ पर खेसारी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और ये गायब होते हैं। इनको गायब होने में 2 से 3 सेकंड लगता है और जब ये गायब होने लगते हैं तो आसपास के कोई भी लोग बिल्कुल भी हिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह देखने से ये साफ पता चल रहा है कि किसी वीडियो को रोक कर इस पर खेसारी को गायब किया जा रहा है। एटलीस्ट किसी आदमी को भी अपना हाथ पैर हिलाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं हिल रहा है। अब यहाँ पर ये कहीं से भी आपको असली सांप लग रहे हैं, मुझे तो इनका लुक देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ये कार्टूनी बैल दौड़ते हुए आ रहा है और ये आदमी यहाँ पर खड़ा है। नहीं नहीं, आपको खड़ा जैसे दिख रहा है लेकिन ये आदमी चल रहा था, लेकिन इस मूवी में ये आदमी इस प्रकार से खड़ा है जैसे लग रहा है बैल से मार खाने के लिए ही खड़ा है, क्योंकि ये आदमी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है और बीच रोड में ही खड़ा है। बैल ने इस आदमी को अभी टच भी नहीं किया है और अगले सीन में भी टच नहीं किया है, लेकिन इसके पिछले सीन में ये आदमी बिल्कुल भी खड़ा था, लेकिन ठीक दूसरे सीन में अचानक से ये झुक कैसे गया जबकि इसको चोट लगी भी नहीं। अगर बैल से टच होता तो मान लेते कि हाँ ये झुक सकता है, लेकिन यहाँ पर लगा भी नहीं जबकि इसके पहले सीन में तो खड़ा था और दूसरे सीन में अचानक से झुक गया, यानी इसको ये बात पता थी कि मुझे बैल से टक्कर लगने वाली है। काजल के पैर के पास एक आपको सांप दिखाई दे रहा होगा और अगले सीन में ये कपड़े के अंदर घुसने वाला है और सांप के कपड़े के अंदर घुसने में भी कपड़ा थोड़ा सा भी हिला नहीं और सांप थोड़ा और अंदर घुस जाता है, लेकिन कपड़ा बिल्कुल भी उभरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसा क्यों यार, कपड़े को तो हिलना भी चाहिए और थोड़ा सा उठ भी जाना चाहिए। इस सीन में इनका कपड़ा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर हवा चल रही है, लेकिन अगले सीन में हवा तो चल ही नहीं रही है यार। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कहीं भी हवा चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इनके पेट पर इनकी ओढ़नी रखी हुई है और यहाँ से सांप अंदर घुस रहा है और जैसे यहाँ पर बाहर निकलता है अचानक से इनकी ओढ़नी गायब हो जाती है। हाँ, यहाँ पर अचानक से गायब नहीं होती, गिर जाता है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे गिर सकता है यार, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओढ़नी इतनी अच्छी तरीके से रखी हुई नजर आ रही थी कि ये गिर ही नहीं सकती। इस सीन में आपको खेसारी के दांत दिखाई दे रहे होंगे जो कि काफी बड़े बड़े हैं और इसी दांत से इस आदमी को काटने वाले हैं, लेकिन जैसे ही काटने जाते हैं अचानक से इनके दांत गायब कहां हो गए और अगले सीन में जैसे ही इनको काटते हैं इतना खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे पता लग रहा है कि इस बड़े दांतों से ही काटा गया हो, लेकिन इस आदमी के काटने से पहले ही इनके दांत गायब भी हो गए थे, तो इनको काटा कैसे यार।